नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। तो देखिए, एरिस्टोटल को थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी थी उसको क्रिटिसाइज किया था प्लेटो ने, और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में प्लेटो नो प्रॉपर्टी नो फैमिली की बात करते हैं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी नो प्राइवेट फैमिली की बात करते हैं। तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्लेटो ने, ठीक है। इसलिए फिर एरिस्टोटल ने जो है क्रिटिसाइज किया प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को, जो कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या कहती थी कि जो रूल करे उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल ने जो है इस चीज़ का विरोध किया, क्रिटिसाइज किया इसको। उस क्रिटिसाइज करने के बाद एरिस्टोटल ने आप अपनी खुद की एक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी, ठीक है, जिसमें इन्होंने कई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और कई सारी विशेषताएं बताई प्रॉपर्टी की और फैमिली की अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, एरिस्टोटल वॉज क्रिटिक ऑफ प्लेटोज व्यू ऑन प्रॉपर्टी, डिस्कस किया हमने। जो एरिस्टोटल था उसने प्लेटो का जो प्रॉपर्टी के ऊपर व्यू था उसको क्रिटिसाइज किया था। एरिस्टोटल डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और एरिस्टोटल जो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के आइडिया को सपोर्ट नहीं करता, जो कि प्लेटो का था, ठीक है। व्हाट इज प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? अब चलो ये तो मान लिया एरिस्टोटल के आपने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, अब आप ये तो बता दो कि आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, दैट प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर। देखिए, जो एरिस्टोटल है उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो जो प्रॉपर्टी है वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जो प्रॉपर्टी से मिलता है, सोर्स ऑफ चैरिटी भी है, ठीक है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये प्रॉपर्टी, और टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस है ये प्रॉपर्टी। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप उस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको बेच के उस पर को रेंट पे देके आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। और लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जो है एरिस्टोटल ने अपने व्यूज रखे। एरिस्टोटल ने जो है तीन सिस्टम बताए प्रॉपर्टी के, कौन से? पहला कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। तो एरिस्टोटल इसको सपोर्ट नहीं करते थे। मान लीजिए कॉमन ऑनरशिप और कॉमन यूज, जैसे सरकारी रोड है तो कॉमन ऑनरशिप हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पूरी पब्लिक की ऑनरशिप हो गई, और कॉमन यूज है, सब यूज करेंगे इसको। तो इस केस में ना सरकारी रोड का मैं ख्याल कोई नहीं रख पाएगा। मान लो एक गंदगी कर देता है उस पर, तो वो क्या कहेगा, अरे मैंने ही तो गंदगी की है, दूसरा आएगा वो साफ कर देगा इसको, अकेली मेरी थोड़ी ना है। पर यही बात सब कहते हैं कि अकेली मेरी थोड़ी ना है, दूसरा आएगा वो कर लेगा। तो इसमें ना इसको रिजेक्ट, इसके अगेंस्ट में एरिस्टोटल। दूसरा है कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज, कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि सरकारी है, कोई एक यूज नहीं कर सकता इसको। भाई आप कह रहे हो एक तरफ कॉमन ऑनरशिप, कॉमन ऑनरशिप मतलब सबके लिए ऑनरशिप है, और यूज एक करे, तो इट इज़ तो ये तो इलॉजिकल हो गया, प्रैक्टिकल नहीं है ये। मान लीजिए हम एक पब्लिक जो सरकारी पार्क है उसकी बात करते हैं, भैया सरकारी पार्क है वो आप कहो कि यूज जो है एक करेगा, तो ये तो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस चीज़ का, ठीक है। तो इन केस इफ इट एग्जिस्ट इट विल बी वेरी एक्सप्लोइटेबल, ये तो खतरनाक साबित हो जाएगा।
सोसाइटी में उथल पुथल मचा देगा ये, तो लोग आपस में भिड़ जाएंगे, वो कहेगा मैं यूज करूंगा, वो कहेगा मैं यूज करूंगा, दलीलें दी जाएंगी कि ये कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कॉमन ओनरशिप है इसकी। तो तीसरा जो कहता है वो है इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज, ये रिलेवेंस है, रिलेवेंट है ये। मान लो आपका एक कोई स्विमिंग पूल आपने बनवा रखा है जिसके ओनर आप हो, लेकिन आपने वो खुला छोड़ रखा है कि जिसको मर्जी है वो नहाए आके, जो जो इंजॉय करना चाहता है इंजॉय करे। तो चलो ये रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये थ्री सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी बताए एरिस्टोटल ने। अब बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप का बेनिफिट क्या है भैया? मोर प्रोडक्टिव होगा, अच्छी बात है जी। सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, और मैन ऑफ प्रॉपर्टी आर मैन ऑफ रीजन, सो गुड फॉर स्टेबिलिटी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी आर मैन ऑफ रीजन, सो गुड फॉर लाइफ स्टेबिलिटी। और सोर्स ऑफ चैरिटी, और जो है आत्मसम्मान बढ़ेगा आपका सोसाइटी में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो, ठीक है। कॉमन यूज में क्या होता है? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एग्जिस्ट एग्जाइल ऑफ एक्सेसिव प्रॉपर्टी विच विल डेवलप जेलसी अगेंस्ट द रिच, ही सजेस्ट दैट रिच पर्सन शुड कीप द मॉडरेट वेल्थ इनफ फॉर अ गुड लाइफ एंड कंट्रीब्यूट द सरप्लस फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपके पास मॉडरेट वेल्थ होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर आपके पास सरप्लस है वेल्थ, तो आप उस सरप्लस वेल्थ से जो है दूसरे का मदद करो, जिससे जो है वो भी अच्छे से रह पाए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करो। क्यों? क्योंकि मैन नीड्स टू रिकॉग्नाइज द रोल प्लेड बाय सोसाइटी इन हिज वेलबींग। मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, ही शुड पे बैक टू द सोसाइटी। देखिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। और मैन जो है बाय नेचर एक सोशल एनिमल होता है, लेकिन सोसाइटी में रहता है तो वो सारी चीज़ें सीखता है, और सोसाइटी के लिए ये सब करेगा तो उसको अलग से एक रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने जो है बात की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें देखिए जो इनइक्वालिटी है ना, जैसे मान लीजिए किसी एक तबके के पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया और एक तबका है उसके पास खाने को भी रोटी नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी जो होती है ना वो क्रांति का कारण बनती है। इनइक्वालिटी इज़ अ रूट कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। हर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर कितना अमीर है, किसी भी सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमीर जो व्यक्ति है वो कितना अमीर है, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि गरीब कितना गरीब है। क्योंकि ये गैप अगर बढ़ गया, रिलेटिव पावर्टी अगर बढ़ गई, तो गरीब जो है रिवॉल्यूशन कर देंगे, जो कि सरकार के लिए खतरा साबित हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं कि अमीर अपनी प्रॉपर्टी और वेल्थ का केयर टेकर है, इसे ऐसे यूज करो कि आगे आने वाली जनरेशन को भी इसको पास किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट के व्याप पर गांधी जी बोलते हैं कि आप जो है इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हो ना, तो आप केयर टेकर हो इसके, आप इस तरह इस प्रॉपर्टी का यूज करो कि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये दे पाओ आप, ठीक है। तो ये हमने जो है डिस्कस की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी।